अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बकरी के नुकसान को लेकर भड़के दबंगों ने बकरी मालक की पत्नी को किया जान से मारने का प्रयास। बहराइच जनपद के थाना हुजूरपुर के अंतर्गत ग्राम वनपुरवा में बकरी के नुकसान को लेकर दो पक्षों में दबंग पक्ष धीरेंद्र सिंह उर्फ सरदार सिंह पुत्र दुगपाल सिंह ने बकरी मालक की पत्नी मुन्नी देवी पत्नी रामविलास उर्फ छोटू लाल को जान से मारने के प्रयास में डंडे से सर पे वार करके किया अधमरा और गिराया गरीब का छप्पर व दीवार। परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कर चल रहा इलाज हालत गंभीर होने से लखनऊ हुए रेफर। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर NCR दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। आप बताओ क्या मतलब क्या नाम है आपका? रामविलास। अच्छा, ग्राम कौन सा है? बनपुरवा। थाना? हजूरपुर। क्या समस्या है? समस्या है साहब कि जो गरीब आदमी को जीने नहीं मिल रहा है, रास्ता के झगड़ा है, रास्ते पे हमें निकले दिए, अपने हमरे इधर आवत हैं, अपना जो है उधर जाने नहीं देते हैं, बच्चे जाएँ उनका गाली दें मारत हैं, निहारू हमरे मारिन खोपड़ी फाट के बिजिया हमरे खेत लिहन गाड़ी दी के घर में घुस के मारिन, तो ये समस्या है। उस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं साहब, DM साहब के यहाँ, SP साहब के यहाँ दिया और वहाँ थाने में दिया, कोई सुनवाई हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आपकी औरत बीमार है, इसमें भर्ती हैं जिला अस्पताल में? भर्ती हैं साहब, वहाँ लखनऊ में भर्ती हैं, यहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया है। रेफर कर दिया, भर्ती हैं वहाँ पे? हाँ, अभी लखनऊ में कहाँ भर्ती हैं? अब ये यहाँ तो रामा सेंटर में लिखी था साहब, अब ये नहीं मालूम है कहाँ रामा सेंटर में है, किसी के लिए बदलाव। अच्छा अच्छा, कौन ले गया लखनऊ? लड़का ले गया। अच्छा, गंभीर रूप से चोट आई है उसको? हाँ, गंभीर रूप से आई है। ठीक। पिताजी का क्या नाम है? रामविलास यादव। अच्छा, क्या पता है ग्राम कौन सा? बनपुरवा। अच्छा, क्या समस्या बताओ जी? हमारे हम लोग घर पे रहे थे, पीछे से मेरी दवाल धकेल दी। कौन लोग धकेल दिए? सरदार सिंह धकेले, उनकी बड़ी वाली लड़की रुचि दवाल पे अपनी छत पे बैठी थी। हमने बोला कि कौन है तो नहीं बोल फेस की, हम रोने लगी तो कहीं कि हम ऐसे ही अछूतिया नहीं है कि हम तुम्हारे दवाल गिरा देंगे, तो हम सबको बुला कर लेके आए कि सबको लोग देख लो कि देखो सबको सभी देखी, तो कहीं तुम कुछ नहीं बोल, तुम्हारे माता पिता नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोले। तुम्हारे माँ बाप कहाँ थे उस समय? जी, हमारे माँ बाप मम्मी को लिए भर्ती जिला अस्पताल में जी। अच्छा, तुम घर पे अकेली थी? अकेली रही। कोई पुलिस सूचना देने पे पहुँची? दरोगा तो हमका मारी ना उस दिन गवा, तो हम रोड़े बड़े पड़े माई ने हाथ गोड़ तक सोदा सुआ रहा, तो हम कहेंगे क्या हुआ, तो हमने कहा कि अपने हम घासी को गए घर नए छिले आ रहे हैं भैंस बांध के, तो हमका रास्ते में मोटरसाइकिल अड़िया था हमको मारी मारी, उसके बाद में हम आए दरोगा को फिर क्या हुआ, तो हमने पलटी बोला तो हमसे कहेंगे कि तुम्हारे तो है बीमारी है। अच्छा। हमारी बीमारी है तो पलटी हो रही, हमारे पापा की मारे नहीं है, तो चलो मंदिर पर नहाए की कसम खा लियो हम मान ली। उनका ठीक है चलो हम कसम खा ले, हमारे पापा ना है तो हम कसम खा लेवे, लेकिन तुम मारे हो तो कहीं की कौन शर्ट पहरे थे, उनका हरी लाल गुब्बार पहरे रहे बुशर्ट रहारीदार बुशर्ट पहरे रहे, तो इनकी ठीक है हम सुबह शाम पे ही निका बुलाए गए सबका, हम निका पुछोएगा और कसम खोएगे, तुमका ठीक है हम कसम खा लेवे, कहीं तुम्हारा अकेल भाई मर जाए तो तुमका हमारे भाई मर जाए तो हमारे जिंदा है तो हमारे कसम खा लिया। ये दरोगा जी कह रहे थे? नहीं, सरदार के। अच्छा। सरदार के निहारू लड़के फिर लाठी डंडा से आए हमारे घरे मारे, हमारे एक दादा लड़का रहे उनके नाम मुंशी लाल यादव, तुम वो कहीं कि चलो हम थाने का चले थे, तो थाने कहें कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो, सब लोग का गवाही दे रहे हो, अब दरोगा का गवाही सबका पूछ ले, उनका सब डरा थे तो वो कोई गवाही नहीं दी। आज 7 दिन क्या हो गया अंदर उनको? मारपीट हुई, वही मारने में खोपड़ी फट गई है। कैसे क्या मैटर हुआ था? वो रास्ता आने जाने के लिए रास्ता हुआ था कि
हमारे इधर निकलेंगे, अपने मुहारे के हम नहीं जाने देंगे, जो रोड है उस पे रोड नहीं जाने देंगे, जो खड़ंजा लगा है उस खड़ंजा पे हम आए जाएंगे, आगे इनको हम नहीं जाने देंगे अपने उधर। अच्छा, तो उस पे कोई कार्रवाई की आपने? हमने कुछ नहीं किया, हम कहे कि जिसे आप इधर आते जाते हैं कहीं ये खड़ंजा सरकारी है, तो उनका जो ईंटा लगाया है प्रधान ने लगाया है जी, और प्रधान अपने घर से जमीन नहीं लाए, जमीन हमारी है, तो इसलिए हम आप भी आ जा रहे हैं तो इसे हम भी आ जाएंगे, तो इसी के लिए इनको गाली दिए। और बिटिया हमारी गई, उसको खेल लिया, मान ले लिए, जैसे वो घर में घुसी गई, घर के अंदर घुस के मारे। तो आपके लड़के को मारा गया, तो क्या को आप लोग थे वहाँ पे घर पे? हम बीमार थे, हम लेटे हुए थे, जब दिन हम उठे उठे तो दिन इनको मारे, पहले चलाए, जब हम दौड़े तो हम ही ऊपर लाठी चला बाँस चलाए, उसके बाद ये हमको ढकेल दिए, क्योंकि इन बीमारियाँ हैं, इस वजह से ये ढकेल के तो इनको देखे थे मारे घर में घुस के। अच्छा, तो इनको यहाँ ट्रीटमेंट करवाएं आप, टांके जो लगे हुए हैं जी, ये कितने दिन से कहाँ पे ट्रीटमेंट करवाए? यहीं पे कराया, ये चिरैया टांड़ पे हुआ था। अच्छा, तो ये कैसे इनको चोट लगी थी? ये बांस से मारा गया था। किसने मारा था? ये मारे थे सरदार सिंह। सरदार सिंह क्या है? गाँव के हैं, मतलब वही ठाकुर हैं। नहीं, वो सरदार सिंह क्या करते हैं, किसने कैसे मारा? भट्टे पे नौकरी करते हैं, मुंशीगिरी करते हैं। अच्छा, उन्होंने मारा है जी। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं, हम मजबूर आदमी हैं, अकेले हैं, बीमारियां हैं, हम चल नहीं पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। अच्छा, तो हम क्या करना चाहते हैं? यानी रास्ते को लेकर के जी ये बात है आपकी, ठीक है? थाने में यहाँ कोई सुनी नहीं रहा। थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया, क्या बोले? वो वहाँ पे यहाँ गए जो, तो भतीजा हमारा गया, गाली देके भगाए, जब हम गए तो रिपोर्ट ले लिए, उल्टा सीधा रिपोर्ट। आपका एप्लीकेशन लिया गया थाने में? नहीं लिया गया। लिया गया, क्या बोले? उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई कोई कार्रवाई, अभी तक का कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक, कितने दिन हो गया एप्लीकेशन दिया आपको? आज 7 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं हुआ।